हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट 24। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 23 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखें तो उसको जाके जल्दी से क्लियर कर लीजिए। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सब चीज़ का प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसे जाके जरूर देखना है, क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं कि इस बार मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है या फिर सिलेक्शन लेना है, आप जाके पढ़िए, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। और जैसे कि इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा नोट्स दिया जा रहा है, उसे भी जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्ज़ाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है सागर एवं महासागर से, और हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 25 तक सवाल को क्लियर कर चुके थे, ठीक है। तो देखिए, आज हम करेंगे 26 से। तो देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए में चीन सागर, बी में जापान सागर, सी में मरमारा सागर और डी में सार्गेसो सागर। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, सार्गेसो सागर, ठीक है। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27 में काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में रूस, सी में तुर्की और डी में इंग्लैंड। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 28 में निम्न में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, मोल्दोवा। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, कजाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 29 में निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 में जो सागर अन्य से भिन्न है वो है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, कैस्पियन सागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 में निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है। तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर और डी में अरल सागर। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, अरल सागर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32 में निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस। 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, स्पेन, ठीक है। स्पेन हो जाएगा राइट आंसर, स्पेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 33 में सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है भैया, अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, 33 में निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, सार्गेसो सागर, ठीक है। सार्गेसो सागर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा समुद्र कर है ना, कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है, सार्गेसो सागर हो जाएगा राइट आंसर, 34 का ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, 35 में तुर्की के उत्तर में है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, काला सागर है तुर्की के उत्तर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 36 में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, दक्षिणी चीन सागर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 37 में विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 38 में यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। काला सागर, मरमारा सागर, एशियन सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, मरमारा सागर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 39 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और
बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है, कौन ऐसा है? स्वेज, किल, सू, मानचेस्टर। राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, किल। ठीक है, किल हो जाएगा राइट आंसर। कौन ऐसा पूछ रहे हैं ना, कौन सी सामुद्रिक नहर है जो कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, हो जाएगा राइट आंसर 39 का ऑप्शन बी, किल। चलिए आगे देखिए, 40 में, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, कार्डिगन की खाड़ी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी। चलिए आगे देखिए, 41 में है कि सारगेसो सागर प्रख्यात है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल से भरा स्थित जलहेतु। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 42 में सारगेसो क्या है? क्या है भैया, राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग सभी लोग, अधिक लवणयुक्त जल या फिर स्थित जल है, समुद्री घास है, और डी में एक द्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा 42 का, ठीक है, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घास है। 41 का हमने क्या बताया भैया, ऑप्शन सी, और 42 का भी है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, क्योंकि प्रश्न कभी कभी गलती हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा भैया, क्योंकि थोड़ा सा हमसे भी गलती हो सकता है, हो भी जाता है। ठीक है, ये हम मानते हैं अपने ऊपर। और देखिए, ये नहीं कि हम एक टीचर है, ठीक है, हम तो उतना बड़ा टीचर नहीं, हम तो अपने अभी खुद हम नहीं मानते, क्योंकि टीचर वह होता है जिसे सब चीज़ का ज्ञान होता है। ठीक है, और देखिए, हम अपने आप में अभी कभी नहीं लाए हैं कि हम एक टीचर हैं, हम बहुत तेज़ हैं, ऐसा हम कभी अंदर नहीं लाए हैं। देखिए, आपको अगर आगे सक्सेस होना, जो बच्चा होता है या फिर जो भी आदमी आगे मतलब कि बने हैं ना बड़े आदमी, अपने अंदर हम कभी नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अगर जो बच्चा उस दिन हम और पूरा मतलब कि जो बोल दे, समझो कि उसका कहानी ख़त्म। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, बस 23 है, थोड़ा सा लेकिन टाइम दीजिएगा। जो आगे बढ़ते हैं ना, उनका दो दिमाग रहता है कि कोई बच्चा बोले, मान लीजिए कि मेरे को तो बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं ना, तो मैं तो छोड़ देता हूँ, क्या करूँगा, हम मेरे को तो आगे बढ़ना है, मेरा तो भैया लाइफ है कि हम आगे बढ़े, आप लोग अच्छे से सेवा करें, मेरा है, आपका भी तो वही है कि सर से ज्ञान सीख कर हम भी आगे बढ़े, यही है ना आपका। तो जो बच्चे मान लीजिए कि उसमें कमेंट करते, गाली देते, तो हम तो भैया अपना काम करते हैं, चलिए कोई बात, लेकिन डिमोटिवेशन तो हो जाता है कभी कभी, बट मैंने सोचता हूँ कि चलो यार क्या है, अपना काम करो, आगे देखो, सफलता तो आगे मिलती जा रही है, अपना काम करते रहो। ठीक है, और आपका भी सफलता, देखिए जब तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सफलता आज के डेट में नहीं मिलेगी, और दूसरों के कहने में मत रहिएगा कभी भी। आप जब भी प्रिपरेशन करो, अपने माइंड से, आपका दिल से, ये नहीं कि आपका बगल वाला कह रहा है कि ऐसे मत करो ऐसे करो, तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपका जो सजेशन है खुद से लो, और आप सोचो कि हम लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में सोचो, क्योंकि आजकल की जो ये युग चल रही है ना, बहुत मतलब कि क्या बताया जाए आपको, बहुत मतलब कि देखिए, मेरा था उम्र लगभग अभी होगा 20 ईयर्स, तो देखिए मैं 20 ईयर्स में बहुत सारा चीज़ अपने अंदर आकर्षित कर लिए हैं कि कैसे जीना है, कैसे किसी से बात करना है, सब चीज़ टेक्निक आप लाइए अंदर, आपको मतलब सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको समझा दिया, और इस अगर आपको ये खराब लगा होगा तो कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न, आगे देखिए 43 में सबसे लौड़िए सागर है, राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर हो जाएगा राइट आंसर, सबसे लौड़िए सागर है मृत सागर। चलिए आगे देखिए, 44 में जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है भैया? लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, काला सागर। 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, मृत सागर। चलिए आगे देखिए, 45 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, और डी में यूटिनिसिया। 45 का हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाड। उसके बाद देखिए 46 में सेलिबीज, ठीक है, सेलिबीज सागर जहाँ है वह है मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, आर्कटिक महासागर में, या फिर उत्तरी सागर में। 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा, सेलिबीज सागर जो है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 47 में 90, ठीक है, 90 ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है?
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और डी में अंध महासागर। 47 का हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, हिंद महासागर। ठीक है, याद रखिएगा 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर, हिंद महासागर। आगे देखिए 48 में आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? डुंडर तूफान, ठीक है, सॉरी झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सी में सुनामी और डी में टोर्नेडो। 48 का राइट आंसर हो जाएगा, 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सुनामी। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे भैया? सुनामी से, याद रखिएगा, साफ साफ पूरा क्लियर है 48 का ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा होगा कि सर की तरफ से किसी भी प्रश्न में डाउट है या फिर गलती है, त्रुटि है, आप मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सजेशन है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आज हम रिवाइज नहीं करवाएंगे क्योंकि मेरा चेस्ट में थोड़ा सा दर्द है, ठीक है, दर्द जैसा कर रहे पता नहीं क्यों, और रात में कुछ दिक्कत हो गया पता नहीं, सोने के वक्त दर्द कर रहा है एक साइड में, तो बोलने का तो हिम्मत नहीं कर रहा है, बट मैंने बनाया, कोई बात नहीं, चलिए आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।